हाय फ्रेंड्स, मैं राजू आपके लिए और एक न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ लिंक्डइन से रिलेटेड। और आज की वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज की वीडियो में जो भी मैं फीचर्स आपको बताने वाला हूँ लिंक्डइन से रिलेटेड, वो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करना, बिकॉज अगर आपने लिंक्डइन में ये चीज़ें नहीं सीखी तो आपने कुछ भी नहीं सीखा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे हमारी सीरीज चल रही है वो हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड चल रही है। उस सीरीज में हम बात करने वाले हैं थर्ड ऑप्शन की, जिसका नाम है विजिबिलिटी। और उस विजिबिलिटी ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो हम आज की वीडियो में उन सभी ऑप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, एक एक करके, एंड उसके क्या यूजेस हैं और आप उसे कैसे यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल जैसे दिख रहा है डेस्कटॉप पे, अगर आप लॉगिन हो तो यहाँ पे आपको मी का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग एंड प्राइवेसी। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, इसके बाद आपके सामने एक न्यू फी ऑप्शन यहाँ पे या फिर न्यू इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है विजिबिलिटी का ऑप्शन पे। साइन एंड सिक्योरिटी के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। अकाउंट प्रेफरेंस के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियोस है, एक एक ऑप्शन के बारे में मैंने वहाँ पे बता रखा है आपको अच्छे से, तो अगर आपने नहीं देखा तो उसे भी जाके वॉच कर सकते हो। सो आज की वीडियो में जैसे हम विजिबिलिटी के बारे में बात करने वाले, तो इस पे हम क्लिक करेंगे विजिबिलिटी के ऊपर। विजिबिलिटी के ऊपर जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा कि जैसे प्रोफाइल व्यूइंग ऑप्शंस। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी, अगर आपको समझना है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन विजिबिलिटी ऑफ योर प्रोफाइल एंड नेटवर्क, इससे आप समझ ही गए होंगे कि विजिबिलिटी का यहाँ पे मतलब क्या है। जिसमें आपको बताया जाएगा इन सभी ऑप्शंस में एक चीज तो कंफर्म है कि विजिबिलिटी से रिलेटेड ही आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करें प्रोफाइल व्यूइंग ऑप्शंस को देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखो प्रोफाइल व्यूइंग ऑप्शंस को, तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है योर नेम एंड हेडलाइन। तो इस पे जैसे क्लिक करोगे एंड इसे न्यू टैब में मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इसे न्यू ओपन करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी आ रहा है कि योर नेम एंड हेडलाइन कुछ इस तरीके से। तो इसे मैं प्राइवेट रखना चाहता हूँ तो प्राइवेट पे क्लिक कर सकता हूँ, या प्राइवेट मोड पे अगर मैं रखना चाहता हूँ तो ये भी। तो यहाँ पे दो ऑप्शन ऑलरेडी मुझे देखने को मिल रहा है, जिस पे भी मैं यहाँ पे टिक करूंगा वो मेरा यहाँ पे टिक हो जाएगा। एंड जो भी है यहाँ पे मेरे लिंक्डइन मेंबर्स होंगे उन्हें सिर्फ ये शो होगा और कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से भी आप अपने प्रोफाइल को हाइड अनहाइड कर सकते हो, अपने हेडलाइन को हाइड अनहाइड कर सकते हो, नेम को हाइड अनहाइड कर सकते हो यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे मैं अब वापस से आता हूँ। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो हु कैन सी और डाउनलोड योर ईमेल एड्रेस। सो इस पे सॉरी सेकेंड ऑप्शन था हमारा एडिट योर प्रोफाइल पब्लिक प्रोफाइल पे, या फिर जो हमारा यहाँ पे पब्लिक प्रोफाइल है उसे। तो इस पे आप क्लिक करके यहाँ पे सिंपली आप जाके एडिट कर सकते हो अपने प्रोफाइल को, कि जो भी चीजें ऐड ऑन करनी है। या फिर आप होम टैब पे भी जब आप यहाँ पे रहोगे, लाइक मैं यहाँ पे आ जाता हूँ होम टैब पे, तो भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा जहाँ से आप अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे जैसे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है होम टैब पे, यहाँ पे आप अमर शर्मा पे जैसे, या फिर आपका जो भी यहाँ पे नेम है उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ से जाके ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे ऐड कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे एडिट पे जाके वो चीज़ें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है थर्ड ऑप्शन हु कैन सी और डाउनलोड योर ईमेल एड्रेस। सो इस पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे जैसे हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मैं बाकी सबको कट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओनली विजिबल टू मी, कि आपका जो ईमेल एड्रेस है वो किसे विजिबल होना चाहिए, ओनली आपको, या फिर फर्स्ट डिग्री कनेक्शन जो आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट हुए उन्हें, या फिर जो फर्स्ट डिग्री है उनके जो म्यूचुअल फ्रेंड है उनसे अगर वो आपके टच में है तो उन्हें दिखने चाहिए, या फिर आप एनी वन मतलब जो भी लिंक्डइन पे उन सबको दिखना चाहिए। तो आप यहाँ से इसे सिलेक्ट कर सकते हो कि आप अपना मेल एड्रेस जो है किसे शो करना चाहते हो। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो एक ऑप्शन और देखने को मिल रहा है, अलाउ योर कनेक्शन टू डाउनलोड योर ईमेल इन देयर डाटा एक्सपोर्ट। सो आपके मेल को डाउनलोड करके वो डाटा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो वो चीजें आप किसे करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, अगर आप विजिबल टू मी अगर सिर्फ अपने को दिखाना चाहते हो तो आप उसे भी कर सकते हो, या फिर फर्स्ट फर्स्ट डिग्री कनेक्शन को या सेकेंड डिग्री कनेक्शन को तो उसे भी आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल कनेक्शन टू एक्सपोर्ट मेल, इसे आप ऑन ऑफ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि आपका जो कनेक्शन है वो सारा मेल का जो भी डाटा होगा
उसे वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप उसे परमिशन देना चाहते हो तो यहाँ पे ऑन कर सकते हो। सो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे नहीं देना चाहता, तो मैं यहाँ पे इसे बैक कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बैक करता हूँ, यहाँ पे मुझे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखने को, सॉरी फोर्थ ऑप्शन देखने को मिलता है, कनेक्शंस। कनेक्शंस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको एक अलग सा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कनेक्शंस विजिबिलिटी, कि आप अपनी विजिबिलिटी को शो कर सकते हो और यहाँ से हाइड भी कर सकते हो, मतलब ऑन ऑफ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, अलाउ योर कनेक्शन टू सी योर कनेक्शन लिस्ट। तो आप अगर चाहते हो कि अपना कनेक्शन लिस्ट दिखाना तो यस, या फिर नहीं दिखाना चाहते तो नो कर सकते हो। बैक कर लेते हो यहाँ पे मैम। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑलरेडी यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, हु कैन सी मेंबर यू फॉलो। सो अगर आपके लिंक्डइन पे कुछ लोग अगर आपको फॉलो कर रहे हैं, आप चाहते हो कि उन्हें दिखाना तो आप उन्हें दिखा सकते हो, अगर नहीं चाहते तो नहीं दिखा सकते हो। जैसे यहाँ पे आ रहा है एनी वन ऑन लिंक्डइन, सो इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ रहा है ओनली विजिबल टू मी, मतलब सिर्फ मुझे दिखना चाहिए या फिर सबको दिखना चाहिए, तो ये भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे इसे भी कस्टमाइज कर सकते हो, हु कैन सी योर लास्ट नेम। इसे भी आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो कि आपका लास्ट नेम किसे दिखना चाहिए और किसे नहीं दिखना चाहिए। इसके बाद अगर यहाँ पे हम बात करें तो सिंपल सा आता है, रिप्रेजेंटिंग योर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरेस्ट। सो इसे भी आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे इसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो, अगर दिखाना चाहते हो तो यस, नहीं दिखाना चाहते तो नो कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं विजिबिलिटी वाले ऑप्शन में। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रोफाइल डिस्कवरी एंड विजिबिलिटी ऑफ लिंक्डइन। सो आप अपने प्रोफाइल को डिस्कवरी एंड विजिबिलिटी ऑफ ऑन करने के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आई थिंक मुझे लगता है सो मेरा यहाँ पे ऑफ होगा या ऑन, देख सकते हो मेरा ऑन है, अगर मैं इसे चाहूँ तो ऑफ भी कर सकता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, शो योर इन्फॉर्मेशन योर प्रोफाइल टू यूजर्स ऑफ परमिटेड सर्विस सच एस आउटलुक्स, तो इस अकॉर्डिंग में मैं यहाँ पे कर सकता हूँ ऑन ऑफ। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रोफाइल डिस्कवरी यूजिंग ईमेल एड्रेस। सो अगर आपका ईमेल के थ्रू अगर कोई डिस्कवर करता है तो उसे भी आप दिखाना चाहते हो कि कोई भी पर्सन आपको ईमेल के एड्रेस के थ्रू अगर यहाँ पे कोई फाइंड आउट करना चाहता है तो इजिली कर सकता है या नहीं कर सकता। तो जैसे मैंने यहाँ पे एनीवन रख रखा है, मतलब सभी लोग कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसे कस्टमाइज कर सकता हूँ, यहाँ पे भी मुझे कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। लाइक मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड एनीवन, मैंने यहाँ पे एनीवन रखा है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रोफाइल डिस्कवरी यूजिंग योर फोन नंबर, मतलब आपके फोन नंबर से भी आपको कोई ढूंढ सकता है या नहीं ढूंढ सकता, तो मैंने यहाँ पे एवरीवन रखा है। अगर आपको लगता है नहीं तो आप नोबडी भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हो किसी भी पर्सन को, लाइक ब्लॉकिंग पे जाता हूँ तो आप देख सकते हो, यू आर करेंटली नॉट ब्लॉकिंग एनीवन। सो मैंने यहाँ पे अभी किसी को ब्लॉक नहीं किया है, अगर मैं किसी को भी ब्लॉक करता हूँ तो यहाँ पे एक लिस्ट बन जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप अपने ब्लॉक लिस्ट को भी देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो, विजिबिलिटी ऑफ योर लिंक्डइन एक्टिविटी। सो यहाँ पे मैनेज योर एक्टिविटी स्टेटस को आप चेक कर सकते हो कि आपने लिंक्डइन पे क्या एक्टिविटीज कर रहे हो एंड क्या स्टेटस चल रहा है, उस चीज को आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। जैसे नो वन, योर कनेक्शन ओनली ऑन ऑल लिंक्डइन मेंबर्स, तो इन सब एक्टिविटीज को भी आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन फिर आपको देखने को मिलता है, शेयर योर प्रोफाइल अपडेट विथ योर नेटवर्क, मतलब जो भी आप अपने प्रोफाइल पे अपडेट करो उसे मतलब ऑन ऑफ करना चाहते हो, मतलब दिखाना चाहते हो या नहीं। सो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ तो यस रखा है मैंने, अगर नहीं दिखाना चाहता उससे रिलेटेड कोई कनेक्शन बना रखा है और आप चाहते हो कि उससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन आए या ना आए, तो आप यहाँ से जाके उसे ऑन ऑफ कर सकते हो एंड उसके नोटिफिकेशन को ग्रैब कर सकते हो। एंड टैग कर सकते हो, इसे भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो, कि ऑल अदर्स टू मेंशन योर टैग और टैग और यू इन कंटेंट पोस्ट ऑन लिंक्डइन, अगर कोई लिंक्डइन पे पोस्ट करता है तो वो आपको टैग कर सकता है, मेंशन कर सकता है या नहीं। इसके बाद यहाँ पे आपका आता है एक ऑप्शन फॉलोवर्स का, फॉलोवर्स पे आप जैसे क्लिक कर सकते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, यू कैन फॉलो यू एवरी वन ऑन लिंक्डइन या योर कनेक्शन, मतलब जो भी आपके कनेक्शंस के हैं वही लोग आपको फॉलो यहाँ पे कर सकते हैं या फिर सभी लोग आपको फॉलो कर सकते हैं। एंड इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, एक नीचे ऑप्शन आ रहा है मेक फॉलो प्राइमरी, यहाँ पे आप इसे ऑन कर सकते हो। जैसे इफ एनेबल्ड फॉलो विल द प्राइमरी फॉलो विल बी द प्राइमरी एक्शन व्हेन मेंबर्स व्यू योर प्रोफाइल एंड इफ यू हैव क्रिएटर मोड टर्न ऑन योर टर्न ऑन फॉर योर योर प्रोफाइल टर्निंग दिस ऑफ विल आल्सो टर्न क्रिएटर मोड ऑफ एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इस तरीके का ऑप्शन यहाँ से भी आप मतलब प्राइमरी कर सकते हो, मेक फॉलो प्राइमरी, प्राइमरी वाले ऑप्शंस को आप यहाँ पे एनेबल कर सकते हो,
या फिर डिसेबल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो है डिसेबल कर रखा है, वो भी आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं विजिबिलिटी वाले सेक्शन में, जिसपे आप जाके अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हो कि आप अपने आप को किसे शो करना चाहते हो और किसे शो नहीं करना चाहते हो। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे जाओ एंड यहाँ से आप इसे कस्टमाइज करो, और ताकि आप एक अच्छा प्रोफाइल या फिर एक अच्छा लिंक्डइन अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सको एंड इजिली आपका जो अकाउंट है वो रीच हो सके, एंड यहाँ पे जो जेन्युइन यूजर्स है वहां तक आप रीच कर सको, एंड कोई फेक पर्सन आपको फॉलो या फिर आपके एक्टिविटी को ट्रैक ना कर पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, एंड इससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस मैंने आपको बताए वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, एंड इस चैनल को मोर इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे और ज़्यादा वीडियोज़ भी अपडेट होती रहेगी टाइम टू टाइम, एंड यहाँ पे सब कुछ फ्री है तो इजिली आप यहाँ पे सीख सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।